नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज और आप सीनेस्पिक्स देख रहे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जी हाँ, जब अक्षरा अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती है और उसने अरमान से कहा है कि प्लीज़ अरमान मेरी बेटी को बचा लो और उससे शादी कर लो, जब ये बातें होती हैं उसके बाद क्या होता है कि जो अरमान है और जो अक्षरा है वो लोग अब मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में वो लोग फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहाँ सब लोग जो है वो रूही शादी को जब प्रिपरेशंस चल रही हैं और अरमान कहता है कि मैं अभीरा के लिए सही हूँ भी या नहीं हूँ, अक्षरा मैं कैसे शादी कर लूँ, मैं दोस्त बन के रहूँगा, तो अक्षरा कहती है कि तुम दोस्त बन के रहोगे, लोग पूछेंगे तुम लोग का रिश्ता क्या कहलाता है तो क्या कहोगे। उसके बाद अब जैसे ही अरमान फ़ोन करके बताता है रूही को कि रूही सुनो, मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यानी कि उसके अभीरा की शादी की बात, तब तक कोई आकर बोलता है कि चल रूही, रोहित तेरा मंडप में इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद फ़ोन कट जाता है और फिर क्या होता है कि अक्षरा अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती है। इधर रूही मंडप की तरफ जाती है, इधर अभीरा आती है हॉस्पिटल की तरफ शादी करने के लिए, और अक्षरा जो है और देखती है अभीरा और अरमान की शादी, उधर रूही और रोहित की शादी भी हो जाती है। और जैसे ही दोनों आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और दोनों को आशीर्वाद देती है, उसके बाद अक्षरा की डेथ हो जाती है। अब क्या लगता है आपको, अभीरा इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी या फिर अरमान की फैमिली अभीरा को एक्सेप्ट करेगी?